के कौशल को मिला नया प्रोजेक्ट, करण जौहर की फिल्म में आ सकते हैं नजर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल को इंडस्ट्री में आए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खास पहचान बना ली है। उन्होंने कुछ ही फिल्में करने के बाद लोगों का दिल जीत लिया है। विकी कौशल की अब फिल्म गोविंदा नाम मेरा में काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसी बीच करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने विकी कौशल को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में लेने का हिंट दिया है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें बताया गया है कि फिल्म गोविंदा नाम मेरा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और जल्द ही इसकी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। वहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि विकी कौशल से करण जौहर कहते हैं कि उन्हें किस तरह की फिल्में करने चाहिए और आइडिया भी देते हैं। इस बातचीत के दौरान आखिर में करण जौहर ने विकी कौशल के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 करने की बात की है। जी हाँ, इसके बाद लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया है कि करण जौहर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 विकी कौशल को लेकर बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट लीड रोल में थे। साल 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया लीड रोल में थे। मैं दोस्तों, विकी कौशल अगर रहेंगे स्टूडेंट ऑफ द 3 में तो आप कितने एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।